बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपनी किचन से आपके लिए अंगारा चिकन की बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी आप तक फ़ौरन पहुँच सके। अंगारा चिकन बनाने के लिए आपको जो अज्जा दरकार हैं वो ये हैं। 1/2 kg बोनलेस चिकन ले लें, 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ले लें और इसे चॉप कर लें, 1/2 teaspoon काली मिर्चें, 4 लौंगें, 3 साबुत वाली गोल लाल मिर्चें, 4 छोटी इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 1/2 teaspoon हमने साबुत धनिया और 1/2 teaspoon ही हमने सफ़ेद ज़ीरा लेना है। इन तमाम गरम मसालों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। इतना रोस्ट करना है कि इसमें से थोड़ी खुशबू आने लगे। जब ये हल्के हल्के से रोस्ट हो जाए और इसमें खुशबू आने लगेगी तो हमने इसको निकाल लेना है। फिर उसके बाद ठंडा कर हमने इसको कॉफ़ी ग्राइंडर में पीस लेना है। 1/2 kilo चिकन में हम तकरीबन 1 teaspoon ये मसाला इस्तेमाल करेंगे। 1 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है, 1 teaspoon नमक ले लें, 1/2 teaspoon पिसा हुआ गरम मसाला ले लें, 1/4 teaspoon हल्दी ले लें, 1 teaspoon पिसी हुई लाल मिर्च ले लें, 1/2 cup हमने दही लेना है, 1 teaspoon भुना हुआ पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ले लें, 1 pinch हमने ऑरेंज रेड कलर लेना है। तो आइए हम चिकन को मैरिनेट करने की तैयारी करते हैं। प्याज के अलावा हमने तमाम मसाले चिकन के अंदर शामिल कर देने हैं। तमाम मसाले शामिल करने के बाद हमने चिकन को इन मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखें, चिकन और मसाले बहुत अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो गए हैं। अब हमने इसको कवर करके 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट करना है। ये तकरीबन 1/2 घंटा हो चुका है, ये कंडीशन है चिकन की। अब हमने इसकी कुकिंग की तैयारी करनी है। एक पैन ले लें, उसमें 1/4 cup के करीब हमने ऑयल डालना है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें चॉप की हुई प्याज शामिल कर दी है। हमने प्याज को एक बहुत खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। देखें, ये प्याज का लाइट गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। बस इसी स्टेज पर अब हमने मैरिनेट की हुई चिकन शामिल करनी है। तमाम चिकन और मसाला साथ में शामिल कर दें प्याज के। इस चिकन को पकने में तकरीबन 10 मिनट लगेंगे क्योंकि ये बोनलेस चिकन है जो कि बहुत जल्दी ही गल जाती है। एक दो मिनट हमने इसी तरह से स्पून की मदद से इसको मिक्स करते हुए भूनते रहना है। फिर हमने इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दरमियानी आंच पर हमने इसे कुक करना है। देखिए, 5 मिनट हो गए हैं, मैंने कवर हटाया तो ये कंडीशन नज़र आ रही है। काफ़ी पानी नज़र आ रहा है, ये चिकन और दही का पानी है। एक दो दफ़ा स्पून की मदद से इसको मिक्स कर लें और दोबारा से हमने 5 मिनट के लिए इसको कवर करके कुक करना है। आँच हमारी दरमियानी ही होनी चाहिए। देखें, मज़ीद 5 मिनट हो गए हैं। अब हमने चिकन को चेक करना है कि चिकन हमारी गल गई है या नहीं। देखें, हमारी चिकन ज़बरदस्त गल गई है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है, ऑयल नज़र आ रहा है, मसाला अच्छा भुन गया है। अब हमने 1 मिनट के लिए कोयले का धुआं देना है। देखिए, 1 मिनट हो गया है, अब हमने इस कोयले को रिमूव कर देना है। अब हम इस चिकन अंगारा को डिश आउट कर लेंगे। लीजिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार जायकेदार चिकन अंगारा तैयार है। अब इसके साथ अच्छी सी सलाद बना लें या फिर अनियन रिंग्स के साथ इसको सर्व कर दें। पराठों और घर की चपातियों के साथ इसको एंजॉय करें। बहुत ही जायकेदार मज़ेदार और जल्द बन जाने वाली डिश है, आप ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल किचन विद शैगी को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।